अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डॉलर की प्राइसेस के रिलेटेड, क्योंकि डॉलर की प्राइसेस पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत तेजी से इंक्रीज की हैं। मैं रिसेंटली अपनी एडसेंस की पेमेंट कलेक्ट करने गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि डॉलर की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ दिन पहले तक डॉलर की प्राइस अगर आप देखते हैं तो मार्केट के अंदर डॉलर की प्राइस थी 110 रुपए है, लेकिन रिसेंटली डॉलर की जो प्राइस है आजकल वो 115 रुपए तक पहुंची हुई है। और अगर आप ओपन मार्केट की बात करते हैं, लोकल मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पर डॉलर 118 रुपए के अंदर भी ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो इस टाइम काफी ज्यादा डिमांड के अंदर है। अब इसकी प्राइस इंक्रीज करने की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी के सेक्टर के ऊपर भी काफी अजीबोगरीब किस्म के इफेक्ट्स आ सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी का सामान है वो पाकिस्तान में ज्यादातर मैन्युफैक्चर नहीं होता। ज्यादातर जो मोबाइल फोन्स हैं, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, और इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी का सामान है उसको बाहर से मंगवाया जा रहा होता है, खासतौर पर चाइना और अमेरिका वगैरह जैसी कंट्रीज हैं जहां से ये प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में जितनी भी ट्रेड हो रही होती है वो डॉलर्स के दरमियान में है। तो अगर डॉलर की प्राइस इंक्रीज करेगी तो जितनी भी चीज़ें हम चाइना से मंगवाते हैं उसकी प्राइस में इंक्रीज आएगा। यही वजह है कि जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं वो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अपने मोबाइल फोन्स जो हैं उनकी प्राइस को बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग और नोट करने वाली बात यह है कि जब भी डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये मौका मिल जाता है कि वो अपनी पुरानी प्रोडक्ट की भी प्राइसेस को बढ़ा दें, क्योंकि नॉर्मली टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर जब एक चीज़ आ जाती है तो उसकी प्राइस कभी भी नहीं बढ़ रही होती, क्योंकि नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी का सामान है वो काफ़ी जल्दी डीवैल्यू होता है। लेकिन इस केस के अंदर जो कंपनीज हैं वो काफ़ी तेज़ी से अपनी प्राइसेस को बढ़ा सकती हैं। रिसेंटली हमें हवावे का मेट 10 लाइट जो है उसकी प्राइस में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है, जहाँ पर पहले वो मार्केट के अंदर 30,000 ऑफिशियल प्राइस में आया था और 30,000 से कम में सेल हो रहा था, लेकिन अब जो है उसकी ऑफिशियल प्राइस 31,000 कर दी गई है। और इसके पीछे बेसिक रीज़न जो है वो यही डॉलर की प्राइस है। इसके अलावा आप लोगों ने रिसेंटली देखा था कि मैंने इन्फिनिक्स के S3 का रिव्यू किया था। ये मोबाइल फ़ोन जो है इसकी ऑफिशियल प्राइस 20,000 रुपया है, लेकिन मुझे ये बात लगती है कि इसकी जो प्राइस है उसको भी 20,000 सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि डॉलर की प्राइसेस में इंक्रीज आया है। क्योंकि जब ये मोबाइल फ़ोन मेरे तक पहुंचा था तो उस टाइम इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी वो 18,000 रुपया थी, लेकिन फाइनली जब ये मार्केट में आया तो इसकी प्राइस 20,000 कर दी गई। और इसके पीछे भी यही कहा जा रहा है कि डॉलर की प्राइस के अंदर इंक्रीज़ आया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग और नोट करने वाली बात यह भी है कि जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तकरीबन सेम ही प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं और इंडियन प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। और अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हुए मुझे नज़र आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। वेल, इसके पीछे भी करेंसी का रेट ही है। इंडियन रुपीज़ जो है वो हमारे पाकिस्तानी करेंसी की नस्बत ज़रा ज़्यादा वैल्यू रखता है, और यही वजह है कि इंडिया के अंदर लॉन्च आने वाले जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी प्राइसेस हमें कम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया के अंदर अक्सर औकात जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो टैक्स है वो कम लग रहा होता है। जबकि अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी ब्रांड्स हैं वो नॉर्मली बाहर से मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट करते हैं, और यही वजह है कि करेंसी रेट के साथ वो जो टैक्स है वो भी इंक्लूड हो जाता है, और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट की प्राइस देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं और ये आपको किस तरह इफेक्ट कर सकती हैं। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगले आने वाले हफ्ते से पहले ही जितने भी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीद लें, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं बल्कि कंप्यूटर की प्रोडक्ट्स, एयर कंडीशनर्स, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं इन सब की प्राइस के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। और डॉलर की जो प्राइस है अगर आप उसको भी चेकआउट करते हैं तो वो आए दिन थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज ही कर रही है। यही वजह है कि जो कंपनीज हैं वो अगले हफ्ते तक जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस को बढ़ाने वाली हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो अभी खरीद लें, ताकि आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो ना पे करने पड़े। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की डेट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक वीडियो मैं क्विक अपडेट के तौर पे अपलोड करता हूँ और उसके ऊपर लोग 2 साल बाद अमल कर रहे होते हैं। तो आप देख लें कि ये वीडियो कब अपलोड हुई है और उसके बाद ही इस सारे मैसेज पर अमल करिएगा। ये ना हो कि उस टाइम तक डॉलर की प्राइस नीचे आ जाए और तब भी आप प्रोडक्ट्स खरीदने निकल जाएँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की जो अपडेट्स हैं और पाकिस्तान के रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो देखना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और नीचे नोटिफिकेशन बेल का बटन आ रहा है उसके ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर औकात लोगों को जो वीडियो है वो नहीं पहुँच पाती। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।